विद्युत विभाग की ओर से आउटसोर्सिंग के तहत संविदा पर रखे जाने वाले विद्युत कर्मियों का अब एक पोर्टल बना दिया गया है। इस पोर्टल का नाम है संविदा पोर्टल। इसके लिए एक बैठक आयोजन महाप्रबंधक सत्य प्रकाश पांडे की अध्यक्षता में मोहद्दीपुर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें इस पोर्टल के बारे में उपस्थित विद्युत कर्मियों को जानकारी दी गई। इस पोर्टल के आ जाने से संविदा पर रखे गए विद्युत कर्मियों का ईपीएफ भुगतान और सेवा से संबंधित सभी डेटाबेस मौजूद रहेगा। गंभीर आप लोग हो जाएं। आनंद सिंह ये तो सब चलेंगे वहां पे भी है। नहीं तो ये चलोगे तो हाँ जी जी तो तब यहाँ कौन भरवाएगा कोई समझ नहीं है। बाकी हम लोग ये तो ये चलेंगे वो तो बैठे गाड़ी में जी 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 इनको लेते हैं तो नहीं बनता है। 00 पर हम क्या बहस करें क्या समस्या सुन जहाँ तक जिसका भुगतान है वो बताएंगे। जीएम साहब पूछेंगे हमारे कि किस महीने तक उस महीने का पोर्टल खोलूँगा, अगर उसमें नहीं आया तो मुझे मत कुछ कहने के लिए फिर मुझसे मत कुछ कहना। इस बारे में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए महाप्रबंधक विद्युत सत्य प्रकाश पांडे ने कहा कि डिजिटल दौर में संविदा कर्मियों को इससे जोड़ा जाएगा। जोन से लगातार शिकायतें जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पे आउटसोर्स का भी जो है उसमें लगातार असंतोष की बात आती थी। आज उसी की हम अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं कि असंतोष का कारण क्या था। हमने एक पोर्टल बनाया है, पोर्टल पर लगातार संबंधित एक्शन को मॉनिटर करना है, संबंधित एसी को मॉनिटर करना है, संबंधित डायरेक्टर डिस्काम को मॉनिटर करना है, संबंधित एमडी डिस्काम को मॉनिटर करना है। उसके बावजूद भी यह असंतोष क्यों हुआ है।